तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक बिल्कुल ही लेटेस्ट वीडियो में। और आज से कुछ दिन पहले हमने शिराज विलेज व्लॉग्स के ऊपर रिएक्ट करा था, उनके एक व्लॉग के ऊपर हमने रिएक्ट किया था। तो उसके कमेंट सेक्शन में, उसके कमेंट सेक्शन में नहीं, उसका कमेंट सेक्शन खुद ब खुद डिसेबल हो गया, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर हमने एक दिन पहले एक और वीडियो कवर किया था जिसमें शिराज ARY डिजिटल के एक प्रोग्राम की वीडियो में हमें दिखे थे, उस पर हमने रिएक्ट किया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो जाकर आप लोग चेकआउट कर देना। लेकिन काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर्स का, व्यूअर्स का ये कहना था कि आप शिराज के व्लॉग्स को कवर करो और जो लेटेस्ट व्लॉग है उसे आप ज़रूर देखो। तो जब मैं चेकआउट करने गया तो इस व्लॉग का नाम है फर्स्ट डे इन कराची, ठीक है, मुझे कराची कैसा लगा क्वेश्चन मार्क। तो कराची मेरे हिसाब से उसी शूट के लिए गए होंगे जो ARY डिजिटल की तरफ से, वो जो शो आ रहा है, वो जो प्रोग्राम आ रहा है, शायद उसी के लिए गए होंगे कराची, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसमें क्या चीज़ है, आज हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, इसे देखने वाले हैं और इसके बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को ऐसे ही रेगुलरली वीडियोज़ देखने के लिए। फिलहाल सभी चीज़ों को हम साइड पर रखते हैं, इस ब्लॉग पर चलते हैं, इसे देखते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। ये तो और जिंदगी में मैं पहली बार जहाज में भी बैठा, लेकिन जहाज में मसला हो गया यार, एक मेरी कान में दर्द हो गया यार, ये क्या हो गया पता नहीं, कान में दर्द हो गया तो जहाज से उतर गया तो कान में दर्द तो खत्म हो गया यार। तो आप भी बाहर जाके देखते हैं कराची को, पता नहीं बाहर कैसा होगा, कराची मैंने घर से नहीं देखा है बाहर। ये देखो मुस्कान जब से आया है छला मार रहा है कराची, मुस्कान है ना, वो बहुत खुशी है उसको, मुस्कान प्यारी है यार, मुस्कान भी प्यारी है। बहुत हंस रहा है, आजी बाजू बातें भी कर रहा है। बाकी ये देखो कमरा है कितना खूबसूरत है, और कराची ऐसा होता है देखो कितना खूबसूरत है, बैठता है ना तो बहुत मजा आता है, मैं बैठता हूँ। इसको इसको बैठने में मजा आ रहा है और उसको कूदने में। चलो मुस्कान आप जल्दी जल्दी सलाम करो। अस्सलाम नाज़रीन, कैसा है? वालेकुम सलाम। कराची बहुत मजा आ रहा है यार, मैं जहाज में घूम कर आया, जहाज में बहुत मजा आ रहा था। आता है, बहुत आता है मुस्कान को, मुस्कान कराची को बाहर से भी देखते हैं, बाहर कैसा होगा। चलो अभी चलते हैं बाहर, चल मुस्कान जल्दी जल्दी चलो छत पे चलते हैं, इतना लंबा लंबा सीटी है, खत्म भी नहीं होता है। उठा गया बिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम कराची। कितना खूबसूरत है, अरे हमने भी देखना यार, हमने भी नहीं देखा। ओ मैं कहां पहुंच गया यार, कितना खूबसूरत जगह, ओ क्या वो से पहाड़ यार, ये एक्सप्रेशन देता है ना, पहाड़ नहीं दिख रहे इसको, दूर हुआ अभी बादल आया हुआ है ना इसलिए पहाड़ नजर नहीं आ रहा यार, इतना लंबा लंबा कर रहे यार। ऊपर भी जाके देखते हैं यार उधर क्या है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वाओ कितना खूबसूरत जगह है यार, देखो कराची में सर्दी में भी गर्मियां है यार, देखो ग्रीन ग्रीन है, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा यहाँ पे सब ग्रीन ग्रीन है यार, देखो वाव हमारे गांव में ग्रीन ग्रीन वाव 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 था, यहाँ पे तो वहाँ थोड़ा ना वो ड्राई सा इलाका है। मुस्कान आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका कैसे? ठंडा इलाका है भाई, मुझे तो बहुत गर्मी गर्मी महसूस हो रही है, मेरे पांव जल रहा है यार।
कितना लंबा लंबा, ओ वो तो खंबा है देखो, सबसे बड़ा खंबा है देखो यार, ये खंबा इतना लंबा तो मैंने यूं करके देखा तो मेरी टोपी गिर गया है। अरे भाग गई वो टोपी लेके। अरे यार कराची में छत पे ये जो हंसता है ना अपनी ही बात पे, ये बेस्ट होता है। यार बहुत गर्मी है यार कराची में। मुस्कान के पैर नहीं चल रहे यार, चेकआउट करो तुम लोग। देखो मुस्कान बेचारी को पसीना आ गया यार देखो। लेकिन मुस्कान कंप्लेन नहीं कर रही। चलो यार यहाँ तो बैठना नहीं है, मेरी पाऊं तो जल गया, मेरे पाऊं तो जल गया, इधर कभी नहीं आएंगे यार। यार हमारे वहाँ पे बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है यार। क्या था यहाँ कभी नहीं आएंगे। बढ़िया पहन के आया था कुछ देर के लिए, अब मैं ये दोनों उतारूंगा। ओ गर्मी गर्मी गर्मी, इधर राजस्थान में गर्मी में भी जाना है, इधर नहीं रहने, इधर तो बहुत गर्मी है। चलो कराची वालों की बेइज्जती कर दिया लड़के ने, कहता है यहाँ नहीं रहना। वो तो शुक्र है इधर पंगा है, शुक्र मैं बच गया। उकान ये जरा मोबाइल पकड़ो, मैं ये उतारता हूँ। इतना गर्मी है, उतारो उतारो, और नहीं पहनूंगा यार, नहीं पहनूं। इतनी गर्मी नहीं होगी यार, थोड़ी थोड़ा आराम करना है, फिर वसीम बादशाही की शो में कल जाना है यार। बादामी कुछ देर बाद वसीम बादशाही मुझे मिलने आ रहा है, मुझे जाने का इंतजार है। चल यार अभी मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, मैं आज नहाऊंगा, फिर मिलते हैं, फिर वसीम बादशाही भी आएगा, उसको भी आपको मिलवाता हूँ जी। यार मुझे पता ही बाथटब क्या बचा है, मुझे पता नहीं यार ऊपर वाले ये क्या है यार, मुझे समझ नहीं आ रही है ऊपर वाले क्या है, माइक है या क्या है। हेलो हेलो कितने प्यारे हैं। प्योर सोल माइक से पानी अरे यार इनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था यार, इनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, प्यारे बच्चे हैं यार। कुछ किस तरीके से व्लॉग कर रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे अजीब नहीं लगता, प्यारा भी लगता है। चल अभी वसीम बादशाही आए तो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। 1 hour later. Later. Thank you, thank you. और ठीक है आप लोग खैरियत से? माशाल्लाह। आप लोग सब फर्स्ट टाइम आए हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वसीम बादशाही चल ऐसे से करके क्यों हंस रहे हो? सही लग रहा है ना? तो भाई ये आ गए शिराज साहब अल्हम्दुलिल्लाह शाह रमजान 2024 के लिए, इसकी भी बड़ी जबरदस्त स्टोरी है, आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से हमारी इनसे बात होती रही, हमने बताया नहीं बिल्कुल कहीं भी मीडिया पर या कहीं, फिर जो है वो इसमें हमारी अनिला बाजी ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और लेकिन इनके इनके अब्बू और फिर इनके दादा वो बहुत रिलक्टेंट थे, ये लोग लाइफ में फर्स्ट टाइम, इनके अपने अल्फाज में कोट कर रहा हूँ, कितने मासूमान अल्फाज में, कि हमने लाइफ में फर्स्ट टाइम हम पहाड़ों से निकले, हमने लाइफ में फर्स्ट टाइम पहाड़ों के अलावा कुछ देखा है। तो ये बहुत रिलक्टेंट थे कि हम तो कभी इस्लामाबाद तक नहीं गए, मरी तक नहीं गए, ज्यादा से ज्यादा हम स्कर्दू तक गए, तो हम नहीं कराची आएंगे, कैसे होगा क्या होगा। फिर हमने बहुत तवील गुफ्तगु की, कॉन्फ्रेंस कॉल्स हुई मेरी अनिला बाजी की और इनके अब्बू की दादा की, और इनकी बहुत मोहब्बत के जब मेरी इनके वाले साहब से बात, इनके दादा से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि वसीम भाई आपने बड़ी तफसील हमारी बात हुई डिटेल, फिर उन्होंने कहा बस आपने कह दिया तो हम बच्चे को भेज रहे हैं, सो आपका शुक्रिया भी इनकी, उन्होंने ट्रस्ट किया और बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों को, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आए और बहुत लुत्फ आएगा शाह रमजान 2024 में इंशाल्लाह। अभी वो भी हमने देखा था यार, वो वीडियो हमने देखा था ना, चेकआउट कर लो वो वीडियो आप लोग, बढ़िया था। यानी ये तो मुझे नहीं पता, गुड से यानी गुड से बंदिस्तान सिटी। अच्छा ओके अच्छा ओके, घर बुलाओगे ना मुझे अपने? जी। खाना खिलाओगे घर पे? खाने खिलाऊंगी। पक्का? पक्का। वसीम बादशाही को इस बार? ठीक है, वाह वाह। अब मैं तो मैं करके दिखाऊं ये कैसे ऐसे उठाएंगे? अभी कोई है? हेलो हेलो, किसी का फोन आया हुआ है?
पहले वाला, ये दबाना है, अब दरवाजा बंद करना है। तो दरवाजा खुल गया ना, खुल गया, अरे बंद। वाह वाह, ये तो आपने मुझे एक जबरदस्त चीज सिखा दी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कैसे करेंगे मुस्कान, ये दबाओ, आपका भी लॉक खराब कर देना है हमने। वाह 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 वाह, मुस्कान को शिराज के सामने शिराज की ब्लॉग चल रहा है। अरे वाह, आपको कराची में क्या मजे का लगा? बहुत अच्छा नहीं लगा। कौन सा अच्छा नहीं लगा? मैं अच्छा लगा? अब अच्छा नहीं लगा। अरे यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं अच्छा लगा। ऑफ कोर्स। इसको अपना आप अच्छा लगा, बाकी कोई नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अच्छा, अभी हम बैठ जाएंगे उधर चल के। चल, आ जा। क्यूट यार, मैं तो आई नहीं रहता उसमें। खैर खैरियत से होंगे, तो कहाँ बैठे हो ये तो बता दो। मैं तो कराची बैठा हुआ हूँ। और अच्छा ठीक है, तो खैर खैरियत से क्या देखना है कराची में, और क्या क्या देखना है कराची में? पेशल, पेशल किटकिट का पेशल देखना है, और पार्क भी देखना है। अच्छा, आप कराची कितनी देर में पहुंचे? कराची तो छह घंटे। ओके, अभी प्लान क्या है कराची में, क्या करना है कराची में? तो घूमना है सिर्फ। अच्छा, क्या देखेंगे? पेशल, किटकिट के पेशल और पार्क। मतलब किसको, किसके लिए आप वो करोगे? किटकिट के पेशल क्या होता है ब्रो? टीम अच्छी लगती है आपको पेशल में? बबल आजम, पीएसएल यार, पीएसएल पता नहीं। अभी थोड़े दिन पहले हम बबल आजम के साथ शूटिंग कर रहे थे, वो जलमी की टीम में है क्या? वो जलमी की टीम में है। वो भी क्रिकेट खेलता है क्या? हाँ, नहीं वो नहीं खेलता क्रिकेट यार, जलमी की टीम में है क्रिकेट। आप यहाँ पे अगर कराची आ गए तो कराची किंग्स की टीम के लिए खेलेंगे आप जी? क्या खेलेंगे? क्रिकेट। ओके, बहुत आला, वेरी गुड। कराची में ज़ेबड़ा है? ज़ेबड़ा ज़ू में है, ज़ू में, ज़ू होते हैं ना जहाँ सारे जानवर को रखते हैं। प्यारा है यार, इसकी बातें सुनो आप यार। नहीं होता है इधर, कव्वे होते हैं, कव्वे देखे? कितना बढ़िया एंटरटेनमेंट है बिचारों का। वो होता है आपके पास गांव में? हाँ होता है। ये कव्वा, ये वाला? ये वाला, या फुल? ये वाला नहीं है, नहीं ना, फुल ब्लैक वाला होता है। हाँ, फुल ब्लैक वाला होता है। तो वहाँ कौन सा वाला है कराची में, उसको क्या कहते हो? वहाँ हशक, हशक। ओके, बाकी जमन में हशक। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अब आपने जैसे अपना गांव दिखाया था ना सबको जी, उसी तरह से आपने कराची भी सबको दिखाना होगा। कराची तो बहुत बड़ा शहर है ना। तो क्या हो गया, शिराज भी उतना बड़ा बॉय है, बिग बॉय है। तो कराची आप दिखाओगे ना सबको? दिखाऊंगी। ओके गुड, अपने गांव के दादा दादी को क्या बोलना चाहते हो अगर वो देख रहे हैं? हाँ, उनके लिए उनको क्या बताओगे कराची के बारे में? दादा को पता है कराची के बारे में, वो आए हैं यहाँ पे जी? आए, बड़ा था ना। हाँ, फिर आए था। अच्छा, वो फौज था, बड़ा से फौज था। ओके, One hour later. बन गया हीरो शिराज यार। कितना प्यारा लग रहा है बादशामी। बादशामी।
अरे यार देखो, मैनीक्योर पेडीक्योर सब हो गया। बहुत बढ़िया यार। ओके गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग और प्यारा व्लॉग था, ठीक है। हमने एक व्लॉग अभी तक देखा था जिसमें शिराज अपनी बहन के साथ अपने नानी के घर गए थे, ठीक है। उसके बाद हम सीधे ये वाला देख रहे हैं। मतलब हर एक चीज़ को ही देखने का एक अलग नज़रिया है बच्चों का, आपको पता ही है जिनको पता ना हो चीज़ों के बारे में, ठीक है। मतलब अभी छोटे हैं, अभी बहुत सारी चीज़ों की उतनी ज़्यादा समझ नहीं है, तो हर एक चीज़ को ही एक अलग पर्सपेक्टिव से, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग देखते हैं, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ये जो अपनी बातों पर खुद ही हंसते हैं, खुद ही रिएक्शन देते हैं अपनी चीज़ों के ऊपर, वो बेस्ट पार्ट है। और यार मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैं इस वीडियो में भी ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अच्छा लगता है, ठीक है। जब शिराज की वो हमने रील्स देखी थी, उसमें वो जो एक फ्रेशनेस थी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, और अब लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने जब कनेक्ट किया उस चीज़ के साथ, और शिराज को अब इस लेवल पे आगे बढ़ता हुआ देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं इस बच्चे के लिए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और आगे भी इनके व्लॉग्स आते रहेंगे। और भी कोई बढ़िया व्लॉग आया जिसमें और ये कुछ एक्सप्लोर कर रहे होंगे, तो हम उसे भी देखने की कोशिश ज़रूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।